इसमें आगे इस तरीके से मोर की डिजाइन है, ये मुझे अगेन बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा हाथ भर जाता है, जगमगाते हैं। ये है बूर के और ये अलग अलग तरह की है डिजाइन। हेलो वेलकम अंगणी सा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आज के वीडियो की हम बात करें तो आपको ऑलरेडी टाइटल से समझ में आ गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं राजपूती चूड़ों के बारे में। तो मैं अपने बैंगल्स का कलेक्शन आप लोगों से शेयर करूंगी बिकॉज ये काफी लंबे टाइम से रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो यस, आज फाइनली मैं बैठ के आपसे सारी की सारी जो भी मेरी बैंगल कलेक्शन है वो आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको टाइप्स ऑफ राजपूती चूड़ा बताऊंगी, किस किस तरीके के अभी ट्रेंड में है, और जो मेरे पास बैंगल्स हैं उनका अप्रोक्सीमेट प्राइस जिनका भी मुझे याद है मैं आपको सभी के प्राइजेस भी बताऊंगी इसी वीडियो में, ताकि अगर आपको कोई बैंगल्स मेरी पसंद आती है, कोई चूड़ा है, ढाल का कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आ रही है, तो आपको एक प्राइस का आइडिया भी लग जाएगा कि ये इतने रुपए की है, तो मे बी यू नो आप मार्केट में कंपेयर करके और फिर वैसा खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मेरे ब्लॉग्स भी आते रहेंगे डेली, आगे शादी आने वाली तो शादी से रिलेटेड ब्लॉग्स भी आएंगे। उसके साथ ही साथ मैंने चैनल पे एक वेडिंग सीरीज भी शुरू की है जिसमें मैं शादी ब्याह से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं शॉपिंग से रिलेटेड और स्टाइलिंग से रिलेटेड उसके बारे में मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। आई एम श्योर आपके वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऑल्सो वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के चूड़े देखेंगे, कांच के चूड़े, सीप के, लाख के, सिंगल कड़े और लाख के चूड़े अलग अलग वो, उसके बाद में बूर के चूड़े, देन ढाल के चूड़े, राजपूती ढाल के चूड़े होते हैं वो। सो सबसे पहले मैं आपसे सबसे सिंपल लेकिन सबसे खास चीज शेयर करना चाहती हूँ, और आई थिंक ये हम सभी लेडीज के पास में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी मेक श्योर कि आप ये जरूर परचेज करें। ये होती हैं कांच के जोड़े, कांच की चूड़ियां कह लीजिए, कांच के जोड़े कह लीजिए, जो हम चूड़ों के आगे लगाते हैं, या फिर मेटल की चूड़ियां भी आप कह सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप चाहें ये ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये आपके पास हर कलर में या एटलीस्ट जितने भी मेन कलर्स हैं उनमें हो। सो मैं मेरा कलेक्शन आपसे भी शेयर करती हूँ इस पे। सो ये है फर्स्ट पेयर, मैंने इस तरीके से मैं ड्रेसिंग में लगा के रखती हूँ और मैंने वैसे ही निकाल के आपको दिखाया है, तो कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ऑरेंज, रेड, येलो, रानी, देन फिरोजी कलर, डार्क रानी, सिल्वर, ऑरेंज, रामा कलर, गोल्डन, ऑरेंज, ग्रीन एंड देन मल्टी कलर और ऑरेंज। ये है फर्स्ट पेयर। मैं इनमें से आपसे कहूंगी कि बाकी तो आप अपने सूट के हिसाब से ही रखिए, लेकिन जो ये सिल्वर कलर है यहाँ पे, सिल्वर और ये वाला गोल्डन, ये जरूर से रखिएगा, बिकॉज हमारे पोशाक में गोल्डन या सिल्वर वर्क होता है, तो कई बार मिक्स एंड मैच करने के लिए आपको इस तरीके की, आप ये देखिए इनमें शाइन काफी है और ये अलग अलग तरह की है, डिजाइंस भी अलग है, कुछ मेटल की हैं, कुछ में देखिए वेलवेट फिनिश है, जैसे कि ये डार्क रानी कलर, सिल्वर कलर, फिर ये ऑरेंज वाला है, ये अलग डिजाइन है, फिरोजी अलग डिजाइन है, इस तरीके से है। तो ये है एक सेक्शन और मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है सेकेंड सेक्शन मेरा, इसमें कुछ अलग कलर्स हैं, अगेन गोल्डन मेरे पास बहुत ज्यादा है, फिर येलो है इसमें, रेड है, रेड कलर बहुत सुंदर है, करवा चौथ पे पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा, पीच कलर है बिकॉज मेरे पास पीच कलर की पोशाकें हैं। इसके बाद में लहरिए में चूड़ियां हैं, ये देखिए आप, ये जो आपको सेंटर में दिख रही है ये सब लहरिए में है, ग्रीन, फिर ब्राइट पिंक कलर है, येलो कलर है, इसके साइड में जो है वो मल्टी कलर है। ये भी अगेन आई थिंक आपको अगर मिले तो जरूर लीजिएगा। इनके प्राइस सभी के अलग अलग हैं, 50 रुपए से शुरू होके और 250 रुपए तक है एक दर्जन की प्राइस, क्योंकि सब में अलग अलग है, कुछ प्लेन है, कुछ की डिजाइन ज्यादा है, जैसे ये रेड वाला जो मैं बताऊं मुझे इसकी प्राइस याद है 130 रुपीज एक दर्जन का हमने दिया था, इस तरीके से है। ये मल्टी कलर वाली भी 130 रुपए दर्जन थी, 120 या 130। ये जो कांच वाली है, प्लेन वाली, ये सिंपल है, ये लास्ट में कुछ मल्टी कलर के ढाल के बैंगल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, नाउ ये वाली चूड़ियां आप देखिए, मल्टी कलर में कांच की चूड़ियां हैं, ये भी बहुत सुंदर लगती है अगर आप डेली में भी पहनना चाहें इन्हें। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरा ढाल की चूड़ियों का कलेक्शन। नाउ जो फर्स्ट पेयर है मेरे पास, ये मेरा फेवरेट है ढाल के चूड़ों में, वो है ये, आप देखिए बहुत बहुत सुंदर है ये, और इस तरीके से है ये। ये बूर में है तो ये काफी एक्सपेंसिव भी था, हमने ये दयाल बैंगल से लिया था बना की शादी में, और ये 1000 रुपीज का कुछ पड़ा था, 1000 या 1100 का, और ये पूरा बूर में है, ये देखिए पूरा हाथ भर जाता है। अगला जो ढाल का चूड़ा है वो है ये रेड कलर में,
ये भी बहुत सुंदर है, हाथ भर जाता है ये भी पहनने से। आगे कॉन्ट्रास्ट में कुछ पहन लीजिए और गोल्ड के बैंगल्स पहन लीजिए, बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ लाल रंग का। तीसरा जो पेयर है वो भी रेड कलर में ही है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और आई थिंक किसी भी ड्रेस पे अच्छा लगता है, आप रेगुलर बेस भी पहनो तो भी अच्छा लगता है। तीसरा ये वाला पेयर है। नेक्स्ट पेयर है ये भी आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा कहीं भी, ये मैंने काफी पहले लिया था। ऑफ व्हाइट कलर में है ये, किसी भी ड्रेस पे चल सकते हैं ऐसे कलर्स। आप जब भी शॉपिंग करें चूड़ों की तो ऐसे कलर्स जरूर लीजिए, रेड हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया या मल्टी कलर हो गया, ये आपके किसी भी ड्रेस पे चल जाएंगे, तो आपको हर बार अलग अलग चूड़े नहीं लेने पड़ेंगे हर ड्रेस की तरह। इसके बाद नेक्स्ट चूड़ा जो मैं दिखाने जा रही हूँ ये भी मल्टीपर्पज है, किसी भी पोशाक के साथ आप पहन सकते हैं, साथ में आप कॉन्ट्रास्ट के जोड़े या कॉन्ट्रास्ट के बैंगल्स यूज कर लीजिएगा। ये है गोल्डन चूड़ा, ये मुझे अगेन बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला चूड़ा है, मैं किसी भी ड्रेस पे पहन सकती हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको, एंड मैं किसी भी ड्रेस पे इसको कैरी कर सकती हूँ। इवन अभी जो मैंने पहन रखी है, अगर मैं आपको इस पे भी पहन के दिखाऊं तो ये देखिए बहुत सुंदर लगता है। आगे कॉन्ट्रास्ट में यानी कि रानी कलर का या पिंक कलर का जोड़ा लगा लूंगी, या फिर कोई सुंदर सा मेरे पास एंटिक सा कड़ा होगा वो पहन लूंगी, इस तरीके से मैं लुक कंप्लीट कर सकती हूँ। इसकी प्राइस थी 350 रुपीज। नाउ नेक्स्ट है ये पीच कलर का चूड़ा, ये ढाल में है लेकिन इसकी ढाल बहुत कम है, ना के बराबर है, और इसमें जो आगे पीछे के कड़े हैं ये आप देखिए ये बहुत सुंदर है इस तरीके से। तो ये एक चूड़ा है पीच कलर का, तो पीच कलर की पोशाक पे मैं वेयर कर सकती हूँ, इस तरीके से है ये। ये 300-400 रुपीज, 350 या 400 रुपीज थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही क्योंकि मुझे खरीदे हुए टाइम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ये पिंक और व्हाइट कलर का चूड़ा, ये भी ढाल में है इस तरीके से। सो पिंक पोशाक, इवन जो मैंने अभी पहन रखी है मैं इस पे भी कैरी कर सकती हूँ, इस तरीके से है ये। इसकी प्राइस 150 रुपीज थी। नाउ मेरे पर्सनल फेवरेट हैं लाख के चूड़े, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद हैं, इनकी शाइन बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत बहुत प्यारी शाइन होती है इनकी, जगमगाते हैं। सबसे पहले है ये येलो कलर का, बहुत बहुत प्यारी डिजाइन है, आप देखिए प्राइस लगभग एक्चुअली ये सारे के सारे जो है इस पर्टिकुलर बैग में, ये हमने सब मुंबई से लिए थे, वहां पे एक जीजा है वो सेल करते हैं, उनसे लिए थे और वो झुंझुनू से मंगवाते हैं लाख के चूड़े। तो प्राइस 200, 250, 300 इस तरीके से है इनकी, और ये अलग अलग डिजाइन है, बट मुझे बहुत पसंद है ये। ये केसरिया कलर में और मोती का काम है बीच में, इनकी शाइन बड़ी प्यारी है और पहने हुए ये वाले चूड़े बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो है वो पिंक कलर में है, बहुत ही प्यारा पीस है ये, और इसमें ये देखिए मोर की डिजाइन है बीच में, प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल। ये है डार्क रानी कलर में, बहुत प्यारा, अगेन इसकी डिजाइन भी कुछ अलग है, एक भी नग नहीं निकला है, मैंने पहन लिए हैं काफी बार, लास्ट ईयर लिए थे मैंने ये। नेक्स्ट इसमें रेड कलर का चूड़ा है ये, उसके बाद है ये गोल्डन कलर का चूड़ा, ये मेरे थोड़ा सा बड़ा है तो ये मैं साइज छोटी करवा के फिर पहनूंगी, बट ये गोल्डन है तो किसी भी ड्रेस पे चल जाएगा और ये पहना हुआ बहुत बहुत प्यारा लगता है। मम्मी ने ऐसा रेड कलर में लिया था और मैंने ये मरून कलर में लिया है, ये देखिए आप शाइन देखिए। ढाल वाले चूड़े मुझे पसंद है बट वो मैं ओकेशंस पे पहनती हूँ, लेकिन मुझे और कहीं जाना होता है, मार्केट वार्केट जाना है इस तरीके, तो मैं सिंपल लाख के कड़े या लाख के चूड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो ये वाला बॉक्स है जिसमें मैं रखती हूँ और इसमें से मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ के हैं कड़े, ये पूरे डायमंड में है। नेक्स्ट मैंने ये आंवले ले रखे हैं आर्टिफिशियल में, अगेन वीडियो पर्पज से, क्योंकि मैं वीडियो के टाइम पे अपने गोल्ड वाले बैंगल्स जो है वो नहीं पहनना पसंद करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं ये आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ। नेक्स्ट जो है ये गजरा टाइप में है इस तरीके से, इसकी डिजाइन अगर हम देखें तो ये शेप जो है ये ऐसा है, एक है ये रेड कलर की, एक है ये व्हाइट कलर में, ऑफ व्हाइट कलर हम कह सकते हैं। ये बंगड़ियां हैं जो बीच में लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, अलग अलग हैं, आई थिंक ये आपको 200 से लेकर 250 के बीच में मिल जाएंगे। इसके बाद में ये बैंगल्स मुझे बहुत पसंद हैं और ये मैंने मेरी शादी के बाद आई थिंक, हाँ शादी के नेक्स्ट ईयर लिए थे, तो भी काफ़ी साल हो गए लिए हुए, और आप ये देखिए इसमें आगे इस तरीके से मोर की डिज़ाइन है और ये भी पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं। रेड है, रेड तो ज़रूरी है, रेड तो बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। मैं रानी भी देख रही थी बट मुझे रानी मिला नहीं तो मैंने रेड ले लिया, तो इसी में रेड है। नेक्स्ट ये बूर के कड़े हैं, सिंगल है, अब लगभग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंगल सिंगल कड़े इस तरह के हैं, ये है बूर के,
इस तरीके से है। ये भी आप सिंगल पहन के आगे जोड़ा पहन लीजिए या आगे कुछ और कॉन्ट्रास्ट में या मैचिंग में कलर पहन लीजिए तो बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले भी। और ये भी खराब नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी पहने हुए। ये फैंसी चूड़ियां हैं गोल्डन एंड सिल्वर वर्क में, ये भी बिल्कुल पानी लगने पे भी खराब नहीं होती हैं, पॉलिश वाली चूड़ियां आती हैं ये, तो ये मैं आगे पीछे लगा के पहन सकती हूँ। उसके बाद ये वाले लाख के कड़े हैं, ये हमने रिसेंटली दयाल बैंगल से लिए थे, ये भी मल्टी कलर में है। देन नेक्स्ट जो मैंने आपको वो मोर की डिजाइन में दिखाए उसी में इस तरह के भी है व्हाइट कलर में। नाउ इसकी भी डिजाइन आप देखिए, व्हाइट डायमंड्स हैं सारे के सारे आगे लगाने के लिए, बहुत अच्छी शाइन आती है इनसे। इसके बाद कुछ इस तरह के बैंगल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ, मल्टी कलर में है, फिर ये गोल्डन में है, ये भी मैं चाहूँ तो आगे पीछे लगा सकती हूँ। फिर इस तरह के हैं ये वाले, ये है, फिर ये लाख के कड़े हैं येलो कलर में। फिर बंगड़ियों में एक ये डिजाइन भी है, ये भी काफी अच्छी है, शाइन इसकी बहुत ज्यादा है, इसे भी मैं जैसे पीछे की तरफ लगा के और आगे दूसरी चूड़ियां पहन सकती हूँ। इसके बाद कुछ और कड़े हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हैं येलो और ग्रीन में, ऐसे ही सेम मेरे पास मिलती जुलती डिजाइन में ऑरेंज में भी है, बट वो फिलहाल अंदर रखे हुए हैं, वो मैं निकाल नहीं पाई, तो सेम है मेरे पास इस तरह के तीन चार कलर्स के। अब मैं आपको फटाफट से मेरे कुछ रेगुलर वेयर के कड़े दिखा देती हूँ, ये मैं डेली बेसिस पे पहन लेती हूँ, सारे नहीं है इनमें से, मैं कुछ दिखा देती हूँ। जैसे इस तरह के हैं लाख में, ये वाले हैं, ये मैं डेली वेयर पे अपने कुर्ती के हिसाब से या जो मैं सूट पहन रही हूँ उस हिसाब से मैं चेंज करके पहनती रहती हूँ। तो ये कुछ मैंने निकाल रखे हैं अभी, प्लेन लाल रंग की लाख की चूड़ियाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जनरली जब घर पे सूट वगैरह पहनती हूँ, कुर्ती पहनती हूँ, तो मैं इस तरह की लाख की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है रेगुलर वेयर में। इस तरीके से लहरिए में एक ये कड़े हैं ग्रे कलर के। देन मेरे पास लाख में एक ये चूड़ा भी है, ये पूरा सेट है, अभी मैं एक हाथ का आपको दिखा रही हूँ, मरून और ग्रीन कलर में, ये मुझे मेरे नानी सा ने, मेरे नानी सासू ने दिया था, प्योर लाख में है, पर इसकी साइज बहुत बड़ी है मेरे साइज के हिसाब से, तो मैं इसे छोटा करवा के पहनूंगी। सो यस, अभी मेरे पास जो भी कलेक्शन अवेलेबल था घर पे वो मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ और है जो ड्रेसिंग टेबल में सामने रखा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां हैं जो थोड़ी सी यू नो जिनकी डायमंड्स की शाइन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम उसे रेगुलर पहन रहे हैं, तो वो वाले हैं वो मैंने सोचा कि वीडियो में मैं नहीं दिखाती हूँ। उसके अलावा जो बाकी के थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। जब मैं सिलसिला जाऊंगी तब मैं आपको मेरे जो बाकी बैंगल्स वहां रखे हुए हैं वो भी दिखा दूंगी, उनका भी कलेक्शन दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। किस तरीके के वीडियो आप वेडिंग सीरीज में और देखना चाहते हैं, बैक टू बैक अभी वेडिंग सीरीज के वीडियोस मैं शूट कर रही हूँ, तो अपनी रिक्वेस्ट जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑल्सो मैंने आपसे कहा था 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो हम Q&A करने वाले हैं उसके अपने सवाल आप लिख दीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में भी नहीं लिख के पर्सनल DM कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID यहाँ दे देती हूँ। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते मुझसे, पर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूँ उसका क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID नोट कर लीजिए और वहाँ मुझे फॉलो भी कर लीजिए और अपने सवाल पूछ लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं एक वो स्पेशल Q&A वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। एंड आई होप आपको ये जो नई सीरीज मैंने शुरू की है वेडिंग सीरीज वो भी पसंद आ रही होगी। एंड वन लास्ट थिंग वीडियो एंड करने से पहले कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है या जो अभी मुझे कुछ दिनों से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं घूमर सिखाती हूँ, मैं एक घूमर टीचर भी हूँ। तो अभी क्योंकि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो मैंने अपने बैचेस बढ़ा दिए हैं, बिकॉज डिमांड अब बढ़ेगी, शादी में सभी को डांस करना होता है, सभी को डांस सीखना होता है। सो इन केस यू नो आप घूमर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, घूमर डांस सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी अपना नंबर दे रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सिर्फ घूमर सीखने से रिलेटेड ही कॉन्टैक्ट कीजिए, ये मेरा सिर्फ घूमर क्लासेस के लिए नंबर है। ऑल्सो सिर्फ कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप वगैरह नहीं है इस पर, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स इस टाइमिंग की डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे कल अपने एक अलग वीडियो के साथ में, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणेशा।